अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल से मैं राना दानुदस सर, आज हम अपडेट देंगे बहरिया टाउन कराची में प्रिसिंक टू के अंदर इकबाल विलास में कुछ प्लॉट्स ऑफर किए गए थे नई डील के मुताबिक, जो बहरिया ने अभी रिसेंटली नई डील दी है जहां पे प्लॉट्स कुछ ऑफर किए गए हैं। उन प्लॉट्स की लोकेशन क्या इनफेक्ट आई है, प्लॉट नंबर के साथ नया मैप लॉन्च हो गया है और उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी पेमेंट के लिए, और हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया था कि पेमेंट्स के लिए आपको टोटल 10 से 12 दिन या 15 दिन का टाइम मिलता है, तो ये डायरेक्ट डील है बहरिया की तरफ से, और यानी जो डील आपको थ्रू डीलर्स ही करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में यू वुड बी कंसिडर एज द फर्स्ट ऑनर और ओपन फॉर्म है, इसके अंदर कोई ट्रांसफर फी या टैक्स नहीं है। बाकी यहाँ पर प्लॉट्स हैं 152 स्क्वायर यार्ड्स के, यानी 152 गज के ये रिहायशी प्लॉट हैं। यहाँ पर इकबाल विलास की जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसी तर्ज के घर बनाए जाएंगे। अब इसकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं हम मैप के मुताबिक। वालेकुम, अभी हम मैप के ऊपर इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये इकबाल विलास का ऑलरेडी ये जो लोकेशन है, यहाँ पर इकबाल कमर्शियल दिया गया और यहाँ पर पार्क, मस्जिद, कमर्शियल एरिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें दी गई और ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं। इकबाल विला प्रिसिंक्ट 2, अभी जो फ्रेश प्लॉट्स दिए गए हैं वो ये वाला जो ग्रीन एरिया है इस साइड पर दिए गए हैं। ये जो कमर्शियल बैग, ये सारे प्लॉट्स बन रहे हैं। यहाँ पर आपको मैप भी दूसरे इमेज में दिखा दिया जाएगा, लेकिन उसकी पर्टिकुलर लोकेशन ये बन रही है। ये बैग कमर्शियल वेस्टर्न सर्विस रोड है, जो 100 फीट वाइड रोड है, डबल रोड है, और इसके ऊपर ये फेस करते हुए यहाँ पर ये प्लॉट्स दिए गए हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स। देखें, इसकी लोकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये बैक कमर्शियल होने की वजह से ज़रा थोड़ा बैड लोकेशन कंसीडर होती है कि यहाँ कल को कोई 18 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बन जाएगी, और 18 स्टोरी बिल्डिंग का बनना तो आपके घरों की जो लोकेशन है वो डेड हो जाएगी। अभी अगर यहाँ देखें प्लॉट्स की तादाद, टोटल जो यहाँ पर बने हुए हैं ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 70 प्लॉट अभी बहरिया की तरफ से फ्रेश प्लॉट्स दिए गए हैं। अभी इनकी प्राइस मार्केट में तकरीबन 60-65 लाख तक डिमांड की जा रही है, लेकिन लोकेशन के अतबार से आप लोग अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र देके पूरी यानी बहस करके, पूरी डिस्कशन करके आप डिस्काउंट रेट पे अच्छी से अच्छी फाइट करें और अच्छा प्लॉट मिल सकता है। यहाँ पे चंद एक प्लॉट्स हैं जो इस पार्क को फेस कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्लॉट्स हैं जो मतलब ये कमर्शियल बैक हैं। बाकी ये जो घरों को फेस कर रहे हैं ये भी अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाले जो प्लॉट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, इनके नंबर्स वगैरह दूसरे मैप पे लिखे हुए हैं, मैं आपको मेंशन कर दूंगा। या इसके फ्रंट पे भी जो है वो कमर्शियल होगा और इसकी बैक पे भी कमर्शियल होगा। बीच में 100 फीट वाइड रोड ज़रूर है, वेस्टर्न सर्विस रोड, लेकिन ये वाले प्लॉट मतलब बहुत ज़्यादा महंगे या ज़्यादा रेट के ऊपर लेना जस्टिफाई नहीं करते। तो जब भी आप लोग यहाँ बाइंग कर रहे हों तो आप लोग इन चीज़ों को ख्याल रखें कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कल को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी, इनकी प्राइस को कंपैरिजन करें इकबाल विला के जो बने बनाए घर हैं उनके साथ, और फिर प्रीसेंट 1 के प्लॉट्स के साथ और अली ब्लॉक के प्लॉट्स के साथ और उनके साइज़ के साथ। जब आप इन चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे तो आपको खुद यहाँ पे एक वाइज डिसीजन करने का जो है वो मौका मिलेगा, आप आसानी से डिसीजन कर पाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे ऑप्शंस के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल की टीम अवेलेबल है, आप लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।